Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होबार्ट हुरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 26 के बारे में, जो कि आज दोपहर को 1:45 PM पर स्टार्ट होगा। अब दोस्तों 1:45 पे ये वाला मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एग्जैक्टली 1:15 पे, 1:15 पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव हो जाना है, क्योंकि उसी टाइम के अराउंड इस मैच का टॉस होगा और टॉस होने के बाद की जो अपडेट्स हैं वो अपने पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूंगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो यार, आज तो इस मैच को हम कवर कर लेते हैं, लेकिन आपको बताएगी कल से ही इंडिया श्रीलंका की सीरीज स्टार्ट हो रही है, और ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई ये साल ना बहुत कमाई करने वाले हैं अपन, और उसकी शुरुआत जनवरी से ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैच है। तो आप सब तैयार हो जाओ, बहुत सारे मैच हम कवर करने वाले हैं, बहुत सारे पैसे हम छापने वाले हैं। और एक बात अपने नए व्यूवर्स के लिए, देखो यार हम लोग तो पैसा कमाने वाले ही हैं, ठीक है, तो अगर आपको भी हमारे साथ पैसा कमाना है तो देखो यार आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो लगभग 5 लाख लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, जिस भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस बटन को दबा के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी दबा के ऑन कर लेना। उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट हो टीम में आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा, वो सारी की सारी आप तक एकदम सही सलामत पहुँचती रहेंगी और आपकी विनिंग होती रहेगी। ठीक है, एकदम फ्री का है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छी विनिंग उनकी मैं करवा चुका हूँ, आगे भी करवाता रहूँगा, तो आप भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों देखो इस मैच की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के पिच की और वेदर की। ठीक है, सबसे पहले बात तो दोस्तों ये वाला जो मैच है ये बेलरीव ओवल में खेला जाएगा, जो कि होबार्ट के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ के पिच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आ जाती है मौसम की, क्योंकि आज के मैच का जो मौसम है ना वो एकदम सनशाइन वाला मौसम नहीं रहने वाला। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी मौसम रहेगा, मैच से पहले थोड़ी बारिश आएगी उसकी वजह से पिच पर असर पड़ेगा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैच के दौरान भी बूंदाबांदी हो सकती है, उसके कारण भी मैच में इंटरप्शन आ सकता है। ठीक है, अभी तक दोस्तों मौसम के बारे में अपने पास फाइनल अपडेट है, वो अपने पास टोस्ट के टाइम तक आ जाएगी, चिंता मत करो, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लेकिन हाँ ट्रिकी मौसम रहेगा। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं पिच की, तो यार यहां का जो पिच है वो भी ट्रिकी है। ठीक है, अगर आप पिछले सीजन में जाओगे बीबीएल के में, तो यहां का जो पिच है ना वो बैटिंग सपोर्ट करता था, लेकिन इस सीजन में या फिर ऐसा कहूं कि पिछले कुछ महीनों से यहां का जो पिच है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ये थोड़ा स्लो बिहेव करता है, बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस मैच में भी देख लेना, ज्यादा हाई स्कोरिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, स्कोर दोस्तों 1:45 के समथिंग रहने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, बारिश आएगी और बारिश की वजह से पिच पर भी असर पड़ सकता है, हो सकता है पिच थोड़ा सा बैट्समैन को सपोर्ट करने लग जाए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बार फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल वेदर रिपोर्ट का आपको वेट करना है, वो अपने पास टॉस के टाइम आएगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इस मैच की जो फाइनल टीम होगी ना वो आपको इस वीडियो में नहीं मिल सकती, क्योंकि यार वो अभी तक बनी नहीं है। आपको बताया अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, टॉस होने के बाद ही अपने पास इस मैच की फाइनल प्लेइंग 11 आएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, फाइनल वेदर रिपोर्ट आएगी। ठीक है, उन सबको देख के हम अपनी फाइनल टीम बनाएंगे। तो भाई अपनी जो भी फाइनल टीम होगी ना, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलती है, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसने भी नहीं किया तुरंत जाके कर लेना, टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी वहां पर हमसे जुड़ रखे हैं और रेगुलरली एकदम फ्री में हमारी टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हो आपका मोस्ट वेलकम है और आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी जाकर जुड़ जाओ, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो बाद में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वेन्यू के बारे में थोड़े डिटेल में। इस सीजन में दोस्तों अभी तक इस वेन्यू में सिर्फ एक ही मैच हुआ है, और उस मैच को आप देखोगे तो 24 दिसंबर को ये वाला मैच हुआ था, लगभग 7-8 दिन पहले। ठीक है, और वो हुआ था होबार्ट हुरिकेन्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। अब इस मैच की क्या खास बात है, पूरे 20 विकेट गिर गए थे, कोई सी भी टीम पूरे 20 ओवर खेल ही नहीं पाई थी। ठीक है, दोनों टीम के 10-10 विकेट गिर गए थे, यानी कि बॉलर्स को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, 130 का स्कोर भी नहीं बन पाया था। और यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो है इस टाइम पे। ठीक है, और 11 विकेट फास्ट बॉलर ने, 9 विकेट स्पिनर ने लिए थे, यानी कि कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ पर फास्ट बॉलर को भी विकेट मिलते हैं और स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं। और बात करूँ दोस्तों टॉस की, तो यार यहाँ का जो मैदान है ना वो जनरली टॉस को ज़्यादा मायने नहीं रखता यहाँ पर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश होगी उसकी वजह से कंडीशंस में चेंज आएगा, और इस उसकी वजह से आई थिंक कि टॉस
यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो बाकी चिंता मित्रों फाइनल वेदर रिपोर्ट आने दो, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की इन दोनों टीम्स के बीच में। तो यार हेड टू हेड रिकॉर्ड इस सीजन में तो अभी तक एक मैच हुआ नहीं है इन दोनों टीम्स के बीच में। पिछले सीजन में 3 मैच हुए थे जिनमें से 2 मैच एडली स्ट्राइकर्स ने जीते थे, 1 मैच होबार्ट ने जीता था। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो टोटल 18 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले जा चुके हैं बीबीएल में। ठीक है, जिनमें से 7 मैच होबार्ट ह्यूरिकन्स जीती है और 11 मैच एडली स्ट्राइकर्स जीती है। यानी कि ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एडली स्ट्राइकर बाजी मार जाती है। ठीक है, और इस मैच की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं एडली स्ट्राइकर्स के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई है दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस की। हाँ भाई, इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है? ठीक है, तो रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, होबार्ट ह्यूरिकन्स ने इस सीजन में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिनमें से 2 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में बैठे हैं 8th पोजीशन पर। यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो अभी काफी खराब है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ एडिलेड की तो भाई 6 मैच इन्होंने खेले, 3 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, मतलब कि इन्होंने कोई ज्यादा झंडे गाड़े नहीं है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में 4th पोजीशन पर बैठे हैं। नेट रन रेट इनकी पॉजिटिव है, मतलब कि इनकी जो कंडीशन है ना वो होबार्ट की टीम से तो चलो अच्छी है। ठीक है, ये तो बात हो गई है रीसेंट परफॉर्मेंस की। अब दोस्तों बात करते हैं टीम न्यूज की, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार भाई का ही वीडियो है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में वीडियो जो टीम्स लाता रहूंगा आपकी विनिंग करवाता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, इसलिए बोल रहा हूँ 1 सेकंड लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों होबार्ट ह्यूरिकन्स की टीम न्यूज के बारे में। तो यार इनके जो ओपनर है बेन मैकडरमॉट, उनके फिटनेस को लेकर थोड़े से इश्यूज है, तो आई थिंक कि इस मैच में हो सकता है वो खेलते हुए नहीं दिखें। उनके ऊपर कोई भी फिटनेस के ऊपर अभी तक अपडेट आई नहीं है, होबार्ट की टीम ने अभी तक कोई भी अपडेट रिलीज की नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये मैंने वही लिखा है कि इनकी जो पोजीशन अभी काफ़ी ख़राब है, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर बैठे हैं। एक चेंज दोस्तों जो ये अपनी टीम में कर सकते हैं वो ये है कि अशरफ जो है इनके एक बॉलर हैं जोल पेरिस, उनको रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पेरिस ने कोई खास परफॉर्मेंस की नहीं है, वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। ठीक है, और एक चेंज हो सकता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। उसके अलावा दोस्तों और कोई इंजरी अपडेट ह्यूरिकन्स की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और वही बात है यार देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ यार टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये रही दोस्तों होबार्ट की टीम की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, ये 11 खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। क्या चेंजेस हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जोल पेरिस की जगह आपको अशरफ खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पेरी ने कोई खास परफॉर्मेंस की नहीं है, और एक ऐसा है कि अगर बेन मैकडरमॉट एकदम फिट हो गए होंगे, ठीक है, तो जिमी निशम की जगह वो आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, उनके बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये बात हो गई है दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कैलब ज्योल की मैं बात करूँ, ये इनका T20 का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये आप देख लो 34 मैच आज तक इन्होंने T20 में खेले हैं, 19 के समथिंग इनका बैटिंग एवरेज है, और दोस्तों इस सीजन में इन्होंने 2 मैच जो खेले हैं बीबीएल के, एक भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कैलब ज्योल का बैटिंग रिकॉर्ड। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डार्सी शॉर्ट की, तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आप देख लो। हालांकि दोस्तों ये एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते थे, लेकिन इस सीजन में अभी तक बॉलिंग की नहीं है, और बॉलिंग से इनसे हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। बैटिंग की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो इन्होंने 5 मैच खेले हैं ओनली 1 मैच ऐसा कह सकता हूँ 35 रनों का ठीक ठाक गया है, बाकी 4 मैच इनके सस्ते गए हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डार्सी शॉर्ट आपके ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? इनका एक रिकॉर्ड है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, और डार्सी शॉर्ट को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना। ठीक है, मैथ्यू वेड की दोस्तों अगर मैं बात करूं, उनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं, तो अपनी टीम में रखना ही बनेंगे। टिम डेविड की अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये भी एक पावर हिटर है, नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। अगर इनके दोस्तों आप पिछले 5 मैच सकोगे तो 3 मैच में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक आई है, 24, 25, 46 नोट आउट। ठीक है, 2 मैच इनके हालांकि सस्ते भी गए हैं, लेकिन हाँ भाई पावर हिटर है तो अपनी टीम में आप चाहो तो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है जिमी निशम की। मैंने क्यों बोला था जिमी निशम को इस मैच से हटाया जा सकता है, उसका रीजन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनका जो रिकॉर्ड है वो तो इंप्रेसिव है, कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले 5 मैच में से एक भी मैच में कोई ज्यादा इंप्रेसिव पारी इन्होंने नहीं खेली है। ठीक है, आशिफ अली ने भी दोस्तों कोई खास पारी नहीं खेली है, तो हो सकता है आशिफ अली को भी बिठा दिया जाए। इन्होंने 5 में से सिर्फ 1 मैच में अच्छी पारी खेली है, वो है 41 रनों की, जो काफी धुआंधार पारी थी मानता हूं, लेकिन और किसी भी मैच में उतनी अच्छी पारी नहीं खेली है। ठीक है, शादाब खान दोस्तों एक इनके एक प्राइम प्लेयर हो जाते हैं,
क्योंकि बैटिंग से भी बॉलिंग से भी दोनों तरफ से योगदान देते हैं, डेफिनेटली अपनी टीम में रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस हैं। पिछले 4 मैच अगर आप शहदाब खान के देखोगे तो बैटिंग से भी योगदान दिया है, साथ साथ 4 मैच में 6 विकेट भी ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जॉल पेरिस की मैं बात करूँ, 5 में से 4 मैच इनके विकेट लेस गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था जॉल पेरिस को हो सकता है इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाथन एलिस का नंबर आ जाता है। एलिस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनका जो रिकॉर्ड है वो तो आप देख लेना, बाकी 5 मैच से दोस्तों 3 मैच इनके भी विकेट लेस गए हैं, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए, काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। तो हाँ, नाथन एलिस खेलेंगे और अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बॉलर तो है ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डूली की अगर मैं बात करूँ, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, ऑलमोस्ट हर एक मैच में इसने विकेट लिया है, पिछला मैच विकेट लेस जरूर गया था लेकिन फिर भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। और मेरेडिथ का भी सेम सीन है दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एक मैच में विकेट लिया, एक मैच इनका विकेट लेस किया है, लेकिन हर एक मैच में 2 विकेट 3 विकेट निकाल रहे हैं, तो अपनी टीम में रखना एक तरीके से इनको भी जरूरी हो जाता है। और साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ का जो पिच है होबार्ट का वो बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये बात मैंने आपको पिच रिपोर्ट में बताई है। तो यार बॉलर्स के साथ तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं बॉलर्स उनको अपनी टीम में रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है दोस्तों होबार्ट हुरिकन्स की टीम की, अब हम बात करते हैं एडिलेड की टीम की। तो सबसे पहले वही बात है, हम कर लेते हैं एक बार इनकी टीम न्यूज के ऊपर नजर मार लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों स्ट्राइकर्स की अगर मैं बात करूँ फॉर्म की, तो भाई इन्होंने अभी तक टोटल 6 मैच खेले, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 3 मैच जीते हैं 3 मैच हारे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन से क्रम में, ठीक है। स्टार्टिंग के जो इन्होंने 3 मैच खेले थे, तीनों के तीनों मैच इन्होंने जीत लिए थे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, ऐसा लग रहा था कि भाई इस सीजन में तो आग ही लगा देंगे, लेकिन उसके बाद जो 3 मैच खेले हैं, तीनों के तीनों मैच ये हार चुके हैं। अभी थोड़े कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी, लेकिन यार फिर भी वही बात है कि जो स्टार्टिंग के 3 मैच लगातार जीत सकती है टीम, वो वापस बाउंस बैक भी कर सकती है। तो इस मैच में देख लेना एडिलेड स्ट्राइकर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक इंजरी इनकी तरफ से है, इनके जो बैट्समैन है जैक वेदरोल, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, तो वो हो सकता है इस मैच में नहीं खेल पाए। उसके अलावा दोस्तों और कोई भी इंजरी रिपोर्ट स्ट्राइकर की टीम की तरफ से अभी तक अपने पास नहीं आई है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपडेट आती रहेगी, कोई और अपडेट आएगी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये रही दोस्तों उनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है शॉर्ट का, जिन्होंने ये कुछ रिकॉर्ड है इनका, 59 मैच खेले T20 में, ठीक है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जो पिछले 4 मैच खेले हैं टोटल 5 विकेट अपनी टीम के नाम किए हैं, बॉलिंग हर एक मैच में कर रहे हैं, साथ साथ बैटिंग से 150 भी आ चुकी है। बैटिंग से हालांकि दोस्तों पिछले 3 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन ध्यान रखना बैटिंग प्लस बॉलिंग कहीं ना कहीं से तो परफॉर्मेंस कर ही देगा, तो अपनी टीम में रखना एक तरीके से जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये इनका कुछ रिकॉर्ड है, कोई खास इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है इस सीजन में दोस्तों। 2 मैच खेले, एक मैच में 0 पर आउट हो गए, दूसरे मैच में 49 मार दिए। अब देखते हैं यार इस मैच में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, हालांकि दोस्तों एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं अपनी टीम में शायद नहीं रखूँ, ठीक है। क्रिस्टलिन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है, और अगर मैं इनके पिछले 5 मैच देखूँ तो भाई स्टार्ट हर एक मैच में मिली है, बड़ी पारी में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। 36, 35, 28 ये 3 पारी है, 21 की एक डिसेंट पारी है, 12 रन की एक छोटी पारी है, मतलब कि हाँ कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म तो कर रहे हैं, बस बड़ी पारी इनकी आना अभी बाकी है, ठीक है। एडम होस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सपीरियंस तो इनको भी अच्छा खासा है, और इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पिछले मैच में 50 मारी थी, 56 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, उससे पहले भी एक 28 नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं, तो देख लेना अपनी टीम में रखना तो रख सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोलिन डी ग्रैंड होम, ये भी आपके लिए एक तरीके से ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं इस मैच के, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली माहौल रहेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ इनकी बैटिंग आ ही जाएगी, 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे तो बैटिंग आ ही जाएगी, बैटिंग से 10-12 रन भी बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉलिंग भी ये बंदा करेगा, 1-2 ओवर में 1-1 विकेट भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रम्प कार्ड रहेगा, इसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, रिस्क ही खेलना चाहो तो स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो तो आप देख ही लोगे, कोई बात नहीं है, इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों केली की, अपनी टीम में नहीं रखेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा डाउन है और बॉलिंग ये बंदा करता नहीं है। राशिद खान की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनको देख लेना, अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि यार बहुत ही बड़े बॉलर हैं राशिद खान, आप सब जानते हो, ठीक है, क्वालिटी बॉलर हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो पिछले 4 मैच में से 2 मैच इनके विकेट लेस गए हैं, 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। खास परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई है, क्योंकि यार जो बैट्समैन है उनको भी पता है कि राशिद खान एक क्वालिटी बॉलर है, ठीक है, तो इनके जो ओवर होते हैं ना बैट्समैन टुक टुक करके निकाल देते हैं, विकेट देते ही नहीं अपना। उसके अलावा दोस्तों हेनरी नेल्सन की अगर मैं बात करूँ, विकेट कीपर सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे, बैटिंग ऑर्डर हद से ज़्यादा डाउन है तो अपनी टीम में नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने पास वेस अगर का ऑप्शन आ जाता है, थॉर्नटन का ऑप्शन आ जाता है, पीटर सिडल का ऑप्शन आ जाता है, ये दोनों तो दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं, वेस अगर और थॉर्नटन ने तो दोस्तों लिटरली हर एक मैच में विकेट लिया है,
तो इसको तो अपनी टीम में रख लेना। साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हैं। उसके अलावा वेस अगर की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसके दो मैच विकेटलेस जरूर गए हैं, लेकिन जो बचे हुए तीन मैच हैं उनमें काफ़ी विकेट इसने लिए हैं। टोटल पाँच मैच के अगर आप विकेट देखोगे तो 10 विकेट अपनी टीम के नाम ये बंदा कर चुका है, और डेफिनेटली वेस अगर भी आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बात आ जाती है दोस्तों पीटर सिडल की, पिछले चार में से तीन मैच विकेटलेस गए हैं, तो क्या पीटर सिडल को अपनी टीम में रखें या फिर नहीं रखें? मैं आपको वही बात बोलूँगा, ग्रैंड लीग के शानदार पिक, और आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बात, ये खैर आपको अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड इनका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने दोनों टीम्स के जितने भी खिलाड़ी थे सबके रिकॉर्ड देख लिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स के बारे में, ठीक है। ये जो भी प्लेयर बैटल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों टीम डेविड की अगर मैं बात करूं तो पीटर सिडल के अगेंस्ट इन्होंने जो 14 बॉल खेली है उनमें 21 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन तीन बार अपना विकेट दे चुके हैं, तो ध्यान रखना टीम डेविड को पीटर सिडल परेशान करते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है पीटर सिडल की, तो एक दो तीन ये तीन प्लेयर बैटल में तो आपको पीटर सिडल डायरेक्ट ही दिख रहे हैं, ठीक है। बेन मैकडरमॉट अगर खेलते हैं तो उनको भी परेशान करते हैं, डार्सी शॉट जो खेल रहे हैं उनको भी परेशान करते हैं, ठीक है। तीनों को इन्होंने परेशान किया हुआ। उसके अलावा दोस्तों एम शॉट को जो है नथन एलिस ने परेशान किया, 11 बॉल में दो बार विकेट ले चुके हैं, और शताब खान को राशिद खान ने परेशान किया, 16 बॉल में दो बार विकेट ले चुके हैं, ठीक है। ये जो प्लेयर बैटल है दोस्तों मैंने ऊपर ऊपर से बताए हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अपनी चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाओ, ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, इनको अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स के बारे में, ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से आपको पता लगेगा कि भाई आखिर कौन सा प्लेयर तुर्रम खान निकल सकता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नाम आता था डार्सी शॉट का, जो कि अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बोला था ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि एडली स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट इस बंदे ने 13 मैच खेले आज तक, जिसमें 600 से भी ज़्यादा रन इसने बना दिए हैं, और 70 का बैटिंग एवरेज रहता है। इतना खतरनाक बैटिंग एवरेज हर किसी प्लेयर का नहीं रहता भाई, इसलिए बोल रहा हूँ डार्सी शॉट को अगर आप रखना चाहो तो अपनी रिस्की स्मॉल लीग की टीम में भी रख लेना, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। एक आधी टीम में कैप्टन के लिए भी ट्राई करना है इनको, ठीक है। उसके अलावा मैथ्यू वेट दोस्तों इनको तो अपनी टीम में रख ही रहे हैं, बाकी इनका जो रिकॉर्ड है वो आप देख लो, 13 मैच में 365 रन वगैरह वगैरह। बेन मैकडरमॉट अगर खेलते हैं इनको भी मैं अपनी टीम में फिट कर लूंगा, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। टीम डेविड दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 6 मैच में 100 रन बनाए, 34 का बैटिंग एवरेज है। रिले मेरेडिथ जो है बॉलिंग से 7 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं आइडियली स्ट्राइकर के, और एलिस ने भी एडली स्ट्राइकर के 5 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई है होबार्ट के प्लेयर्स की, अब हम बात करते हैं एडली स्ट्राइकर्स की। तो क्रिस लिन ने होबार्ट ह्यूरिकन्स के अगेंस्ट 13 मैच खेले हैं, 455 रन बनाए, 57 का बैटिंग एवरेज, तो क्रिस लिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एम शॉट ने दोस्तों होबार्ट ह्यूरिकन्स के अगेंस्ट 7 मैच में 215 रन बनाए, 43 का बैटिंग एवरेज। पीटर सिडल दोस्तों ये आ जाता है वो रिकॉर्ड जो अब मैं आपको बोल रहा था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीटर सिडल ने होबार्ट ह्यूरिकन्स के अगेंस्ट 11 मैच खेले हैं, लेकिन 23 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी रेट भी कंट्रोल में रहती है, इसलिए मैं बोल रहा था पीटर सिडल ने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है मानता हूं, लेकिन ये आपके ग्रैंड लीग के काफ़ी अच्छे पिक हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों वेसगर, इनका भी रिकॉर्ड जो है वो डिसेंट है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वेसगर को तो खैर अपनी टीम में रख ही लेना, क्योंकि इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में यार मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन यार वही बात है, देखो ये जो भी टीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये अपनी फाइनल टीम नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी। फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, वीडियो खत्म करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना या फिर कमेंट बॉक्स खोल लेना, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री का है, बस इतना छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी डेमो टीम की, तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें कौन कौन से प्लेयर मैंने रखे हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से मैथ्यू वेड मैंने उठाया, कोई चेंज नहीं होगा, मैथ्यू वेड मेरी फाइनल टीम में भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बैटिंग सेक्शन से क्रिस लिन मेरी टीम में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडम हॉस और टिम डेविड को मैंने उठाया, यहाँ से चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है बेन मैकडरमॉट खेले तो उनको मैं अपनी टीम में उठा लूंगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो चेंजेस करना तो कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास हंट का भी ऑप्शन बचता है, क्लब ज्वेल का भी ऑप्शन रहता है, ज्वेल वगैरह को मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों मैंने एम शॉट को उठाया और शदाब खान को उठाया, यहाँ पर आप चेंजेस क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आपके पास कोलिन डी ग्रैंडहोम का ऑप्शन बचता है, जिसको आप अपनी टीम में उठा सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई ये बंदा ट्रंप कार्ड निकल सकता है, ठीक है, तो उसको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो बेशक। उसके अलावा दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में देखो, बॉलिंग सपोर्टिंग पिच है तो फिर बॉलर्स को मैंने ज़्यादा एक तरीके से भाव दिया है। पीटर सिडल को मैंने अपनी टीम में उठा लिया, रिस्की पिक है, अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया।
पीटर सिडल को ड्रॉप करो यहाँ से, कोलिंडी ग्रैमडोम को उठा लो, या फिर और किसी प्लेयर को उठाना चाहो उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेस्ट अगर मेरी टीम में रहेंगे, थॉन्टन मेरी टीम में रहेंगे, डुली भी रहेंगे, मेरेडिथ भी रहेंगे, ठीक है। सिडल को ड्रॉप करके आप नाथन एलिस को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मेरी टीम में हो सकते हैं, और बाकी दोस्तों अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो तो खैर मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो जिस भी भाई ने यार अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो भाई, क्योंकि एकदम फ्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल आपका, ठीक है। खैर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो भाई इन 11 प्लेयर में कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज मेरे को एक तो शॉर्ट दिख रहा है जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा, शादाब खान जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मैथ्यू वेड के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मेरे को डाउट है क्योंकि बॉलिंग सपोर्टिंग पिच है, ठीक है। तो बॉलर्स में से मैं जाना चाहूंगा थॉर्टन को आप बना सकते हो, उसके अलावा दोस्तों एक मेन बॉलर जो मैंने पिक नहीं किया है राशिद खान, ठीक है, अगर आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरी फाइनल टीम में राशिद खान को मैं रखूँ, वो खैर मैं आपको टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को सिर्फ इतना है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।